हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पार्ट 2, जिसको हम लोग ज्योमेट्री नाम से भी जानते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 2 हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। हम लोग आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 का ही हम लोग कंटिन्यू रखे हैं। हमने दोस्तों ऑलरेडी इस प्रैक्टिस सेट 2.1 का दो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करके अपलोड किया है। लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक अपलोड किया है। और लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को दोस्तों देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इन द फिगर 2.22 एम, ये जो एम है, एम इज द मिड पॉइंट। एम जो है ये मिड पॉइंट है, लेकिन किसका है, क्यू आर, क्यू आर का है, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये जो आर है 90 डिग्री है। प्रूफ करना है दोस्तों, प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया। प्रूफ वाला क्वेश्चन आते ही ना आधे लोग तो डरने लगते हैं, अरे बाबा प्रूफ आ गया, किस तरीके से होगा। अरे आज तुम प्रूफ वाला क्वेश्चन देख लोगे ना, बोलोगे अरे बाप रे, प्रूफ में तो कुछ नहीं है। देखो इसमें यह वाला है, पी क्यू स्क्वायर जो है वो इक्वल टू रहना चाहिए 4 PM² - 3 PR² आप बोलोगे कैसे, देखते तो जाओ, 3 से 4 मिनट में आपका आंसर निकल जाएगा आपके सामने। ओके तो आइए बिना किसी देरी से हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम आ गए अपने नोटबुक पर। देखो मैंने आपको कल यहाँ तक सॉल्व करके दिया था, जो भी मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा उसको ऑफकोर्स पता ही होगा। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, आप लोग को दिख रहा होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने के लिए हम लोग टेक्स्ट बुक रख लेते हैं आपके ऊपर कि आप लोग भी देख लें, क्योंकि फिगर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आओ हम लोग सॉल्व इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको कुछ चीज़ ले लेते हैं। आपको ये दिख रहा है, अभी ये अपोजिट है, मतलब ये एंगल है, तो 90 का इसके अपोजिट क्या रहेगा, हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरियस थियरियम। हम थियरियम को भाई प्रूफ करें, प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ तो हमने कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। इन अब देखो इसमें एक बड़ा ट्रायंगल क्या है, पी आर एम। इसमें दोस्तों इसमें कई सारे ट्रायंगल है। सबसे पहला जो ट्रायंगल है पी आर एम है, दूसरा पी आर क्यू है। तो अभी हम लोग सिर्फ मान रहे हैं पी आर एम, तो ले लो इन ट्रायंगल पी आर एम को, हमने ट्रायंगल को एज्यूम कर लिया। अब दोस्तों इसका इसको हमें रेशियो बनाना। देखो पी आर स्क्वायर ये रहा हमारा पी आर स्क्वायर, ओके, फिर प्लस आर एम स्क्वायर, आर एम स्क्वायर दोस्तों, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पी एम स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर। इसको फिर इस तरीके से रखो। अभी हम लोग इस आर एम स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, इधर इधर ही आर एम स्क्वायर, फिर इक्वल टू लेके जाएंगे, ये पी एम स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा दोस्तों। ओके ये माइनस हो जाएगा पी आर स्क्वायर से, हमारा इक्वेशन फर्स्ट यहाँ तैयार हो गया। ये पी आर इधर प्लस में था, इधर लेके गए तो हो गया माइनस। ओके यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है मैं आप लोग को इसके थोड़ा मानने का समय दूंगा, अभी आपको टेक्स्ट बुक की सख्त ज़रूरत, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर किसको खसका रहा हूँ। अभी आप लोग दोस्तों एक ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू बड़ा वाला ट्रायंगल की अब ज़रूरत पड़ गई। तो आइए हम लोग इसका भी हम लोग अब दोस्तों बाइफर्फिकेशन कर लेते हैं। तो देखो पी आर स्क्वायर इसको प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, हमने कैसे लिखा, देखो पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर, हमने उसका तीनों साइड स्क्वायर है दोस्तों ले लिया। अभी ये पी क्यू स्क्वायर को वैसे ही रहने, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये पी आर स्क्वायर इधर था, तो इसको लिखा जाए उधर पी आर स्क्वायर, फिर प्लस कर दो। अब दोस्तों जो क्या है आर क्यू स्क्वायर, देखो आर क्यू स्क्वायर, तो दोस्तों हम लोग आर क्यू स्क्वायर का जगह आर एम प्लस एम क्यू भी तो लिख सकते हैं, होगा तो आर क्यू तो लिख सकते, तो लिखो आर एम प्लस एम क्यू स्क्वायर लिख, हमने यहाँ पे लिखा, फिर पी क्यू स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ओके दोस्तों ये पी आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अभी कुछ इधर चेंजेस होगा, क्या होगा आर एम भी वैसे ही रहेगा। देखिए ये मतलब जितनी दूरी आर से लेके एम तक की, उतनी दूरी एम से लेके क्यू क्यू तक की है, तो हम क्यों ना एक काम करते हैं कि एम क्यू की जगह भी आर एम लिख सकते हैं। देखिए आर एम प्लस आर एम इक्वल टू आर क्यू, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर एम स्क्वायर, आपको इतना समझ में आया होगा ऑफकोर्स। फिर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, अब आप देखो आर एम कितने आर एम है दोस्तों, तो टू आर एम है, टू आर एम स्क्वायर है। ओके
फिर पी क्यू स्क्वायर वैसे ही इसको रहने दो, इक्वल टू पी आर स्क्वायर भी वैसे ही इसको रहने दो, फिर प्लस करो। अभी दोस्तों आप यहाँ टू का स्क्वायर कितना होता है बताओ, टू का स्क्वायर फोर आर एम स्क्वायर, हमने टू का स्क्वायर किया है ना कि आर एम का, इसलिए अभी भी स्क्वायर लगा ही रहेगा उसमें। तो अब आइए आगे सवाल करते हैं, पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस फोर, जब फोर मतलब यही फोर है। अब दोस्तों आप फिगर में ध्यान से देखो, हमने क्या लिया आर एम, आर एम स्क्वायर लिया है, तो दोस्तों हम आर एम का जगह पी एम और पी आर भी ले सकते। देखो अगर आप पी एम को पी आर से माइनस करोगे तो आपको आर एम ही मिलेगा, आप करके देख लेना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, हमने इस तरीके से इसको कर दिया दोस्तों। ओके अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट इसमें करेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ये देखो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो दोस्तों वही सब लगेगा। देखो अभी पी क्यू स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इधर लिखो लिखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू वैसे ही रहेगा, ये पी आर स्क्वायर भी वैसे ही अभी भी रहेगा, ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा। फिर प्लस फोर पी एम स्क्वायर वैसे ही रहेगा, फोर पी एम स्क्वायर देखो अभी दोस्तों ये जो फोर है अभी अभी इस फोर को अगर आप पी एम से मल्टीप्लाई करोगे फोर पी एम स्क्वायर, अभी फोर पी आर से भी मल्टीप्लाई होगा तो फोर पी आर स्क्वायर। ओके फिर पी क्यू स्क्वायर वैसे ही रहने दो इक्वल टू दोस्तों, अभी देखो अभी ये फोर पी एम स्क्वायर है तो इसको यहाँ पर रखो फोर पी एम स्क्वायर, अभी ये पी आर है, पी आर है मतलब देखिए माइनस फोर पी आर है, तो एक पी आर को अगर आप काटोगे तो आपको क्या मिलेगा थ्री पी आर थ्री पी आर स्क्वायर आपको दोस्तों मिलेगा। ओके अब आप लोग इसको सिंपलीफाई थोड़ा सा कर दो, तो लिखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर पी एम स्क्वायर माइनस थ्री पी आर स्क्वायर। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग को मैं टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ, एक आप लोग भी देख के चौंक जाओगे। अब मैं प्रूफ क्या करना था, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर एम स्क्वायर माइनस थ्री पी आर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर फोर पी एम स्क्वायर माइनस थ्री पी स्क्वायर, तो आप लिखो हैंस प्रूफ, मैंने क्या कर दिया इस इक्वेशन इस सम को प्रूफ कर दिया। देखिए दोस्तों आपके सामने प्रूफ हो गया, मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगे होंगे, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब वो बोलते हैं ना थोड़ा सा इसमें घुमाया फिराया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा वो क्रिटिकली बनाया है। देखो मैं आपको 10th क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ आइडिया बता दे रहा हूँ, खुद कर लूँगा। देखो इसमें क्या क्या पूछा है, वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन अदर साइड ऑफ ए स्ट्रेट आर पैरेलल टू ईच अदर, देखिए मतलब आप अज्यूम करो दो बिल्डिंग है उसकी जो साइड है स्ट्रेट है और पैरेलल ही है, ठीक है। अ लीटर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रेट सच दैट इट स्टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट इज 4 मीटर, देखिए एक का 5.8 मीटर लॉन्ग है और एक की हाइट 4 मीटर तक है। ऑन टर्निंग द लेडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट स्टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट 4.2 मीटर, एक और बिल्डिंग है जिसकी हाइट 4.2 मीटर है। फाइंड द वेथ ऑफ द स्ट्रेट, हमें वेथ फाइंड करना और स्ट्रेट फाइंड करना है। तो दोस्तों दोनों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग खुद करो इसको तो आपको प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। देखो मैं आपको इसमें 10 क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन दोस्तों खुद सॉल्व करा कर दिया हूँ। अब दोस्तों एक क्वेश्चन खुद भी आप करोगे तो आपका भी प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। अगर आपको 9 क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछो, या तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है, वहाँ भी जाके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।